पांच की आंच में आपका बहुत स्वागत। आज बात करेंगे शपथ, शपथ, तीसरी शपथ। तो मोदी सरकार का शपथ ग्रहण आज है शाम 7:15 पर। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ साथ मंत्री भी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह होना है। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि आसपास के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो आज इस इतिहास के गवाह बनेंगे। तो मोदी सरकार का शपथ ग्रहण आज, मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। एक जानकारी की 50 से 60 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मंत्रियों की लिमिट की बात कर ली जाए तो यह जाएगी तकरीबन 80 के आसपास जाती है नियमों के मुताबिक। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं। भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है तो मैं समझता हूँ जो भी काम मुझे मिलेगा उस काम को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान दूंगा। मन सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। और नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे, फिर 30 मई 2019 को दूसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आज शाम को वे तीसरी बार शपथ लेंगे। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और का कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। कितने सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी, दोनों लोग। मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का, पहले भी एक बार अवसर मिला है, फिर दोबारा से मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी मतदाताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो 10 वर्षों से काम चल रहे हैं उन कार्यों को और तेज़ गति देने में मैं अपना जितना भी दिन रात है मेहनत करके उस काम को पूरा करूंगा। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं। बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। तो वो तमाम चेहरे जो नजर आ सकते हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ये भी बता रहे हैं किस तरह का प्रोफाइल है, क्यों उन्हें शामिल किया गया है। एक एक्सक्लेमेशन मार्क है और वो मार्क भी बहुत जल्द हट जाएगा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम राष्ट्रीय जो ये कैबिनेट बनने वाली है इसके राष्ट्रीय महत्व को लेकर भी चर्चा करेंगे। पहले उनका स्वागत कर लिया जाए। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी इन सारे मायनों को समझा जाएगा और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सेहत पर क्या असर होगा इसे भी हम समझेंगे। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहला सवाल, आज
जो ये कैबिनेट हमें नजर आएगी, आज जो ये शपथ ग्रहण होने जा रहा है, ये कई मायनों में खास है। आप किस पॉइंट से उसे अलग और खास देखते हैं, डॉक्टर शर्मा? देखिए ललित जी, खास तो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य लगातार तीसरी बार हिस्टोरिकली शपथ ग्रहण कर रहा है। ठीक। एनडीए भी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। दूसरी चीज नरेंद्र मोदी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मोदी सरकार का जो नारा दिया था, हालांकि बीजेपी को उतनी सीट्स नहीं मिली, यानी मेजोरिटी मार्क्स को नहीं छू पाई, बावजूद भी एनडीए के साथ, मतलब एनडीए घटक दलों के साथ मिलकर सत्ता में आई। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ सवाल हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंडा है, ठीक, जिसमें मुख्य रूप से इस बार जो शामिल किया गया है वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको अक्रॉस इंडिया लागू करने का भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रॉमिस किया है, क्या वो लागू हो पाएगा टीडीपी के साथ मिलकर, एक ये बड़ा सवाल है। बस बकाया का विकसित भारत का जो संकल्प बीजेपी का है, ठीक, वो दोहराता जाएगा। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि जो अभी आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स में ये पता लग रहा है कि बीजेपी टीडीपी या जेडीयू जैसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आउटफिट के साथ मिलकर सरकार बना रही है, ठीक, लेकिन फिर भी अपने मन माफिक, यानी कि जो लीडरशिप मोदी की 1O 2O में देखी गई, उसी की तरफ एक इशारा है कि 3O में भी मोदी उतने ही स्ट्रॉन्ग लीडर दिखते हुए नजर आएंगे। जी जी, बहुत सारे सवाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भी लेकर लेकर हैं, लेकिन ये सवाल मैं बहुत दिनों से आपसे पूछना चाह रहा था। गली क्रिकेट में एक शैतान बच्चा होता है, उसके मम्मी पापा उसको बैट दिलवा देते हैं। अब अगर उसको बैटिंग मिलती है तब तक तो ठीक है, वरना वो अपना बैट उठा के ले जा लेता, कह रहा मैं नहीं खेल रहा मैच। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं या इस तरह के जो किरदार हैं वो इस सरकार में रहने वाले हैं। विपक्ष का कहना है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत शॉर्ट में इसका जवाब, नीतीश कुमार के बारे में मैंने ये बात कही है, डॉक्टर शर्मा? देखिए, जो गली क्रिकेटर्स होते हैं इसमें सही दो राय नहीं कि जो आप कह रहे हैं जरा सी चीज में कब रूठ जाए, कब क्रिकेट खेले कब ना खेले, कहीं दोस्तों से लड़ाई हो जाए, कहीं परिवार से लड़ाई हो जाए, कहीं कोई उनको बहका दे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भले ही वहां जरूरत नहीं है लेकिन बहक भी जाते हैं जी। तो जो नीतीश कुमार के बारे में जो कहावत है, बिल्कुल कहावत क्या, देखा भी है, जैसा कि उन्होंने पिछले 5 साल में, 5 साल भी ना गए, जब जेडीयू और आरजेडी साथ साथ जीत कर आए, किस प्रकार से सत्ता में आए, फिर सत्ता गई, फिर बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ और फिर बीजेपी के साथ, तो ये सब घटनाक्रम कहीं ना कहीं ये उनकी जो स्टेबिलिटी है किसी एक जगह बने रहने पर एक क्वेश्चन जरूर लगाती है, बशर्ते कि उनके मन माफिक काम होते रहे तो शायद चलता रहेगा। लेकिन एक चीज जरूर है ललित जी, कि आपने देखा कि जेडीयू पहली बार नहीं शामिल हो रहा है, इसके पहले भी एनडीए में रहा है और वो उनके साथ लगातार बने रहे, भला कि ऐसा परिस्थितियां नहीं थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर मेजोरिटी में थी, चाहे 282 की बात हो या 303 की बात हो। जी जी। अब जरूर थोड़ी सी स्थिति उस प्रकार की नहीं है, तो एक भय का वातावरण या उस गुल्ली क्रिकेटर के रूठने का अवसर आ जाए कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास, और भी सवाल हैं, दरअसल कुछ जानकारियां भी हम अपने लगातार दर्शकों को दे रहे हैं। और मोदी कैबिनेट पर सूत्रों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीएस वाले मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, यानी कि गृह रक्षा वित्त विदेश, ये बीजेपी अपने पास रखेगी। सूत्रों के हवाले से हम ये आपको खबर बता रहे हैं क्योंकि लगातार ये बातें निकल कर आ रही हैं। और वित्त तो इतना फेवरेट हो गया है ना सबका, पूछिए वित्त विभाग फेवरेट क्यों हो गया है, क्योंकि ईडी इसी मंत्रालय के अंडर में आती है, और ईडी आप जान ही रहे हैं आजकल कितनी जो नए नियम है उसके हिसाब से ईडी कितनी पावरफुल है। और मध्य प्रदेश से वो नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से
तो मध्य प्रदेश से जो हमने आपको बताए वो चेहरे भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक जो नाम हमने सुना है ताजा ताजा जो नजर आया है वो है दुर्गादास उइके, जो बैतूल से आते हैं, और अगर उन्हें ये मौका मिलता है तो मेरा ख्याल है कि अब्दुल जो असलम थे, असलम शेर खान, उनके बाद ये दूसरी बार होगा कि बैतूल से कोई केंद्रीय मंत्री बनेगा। तब और अब में दरअसल फासला बहुत हो गया है। तो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आ रहे हैं, 7 देशों के प्रमुख नेता शपथ ग्रहण समारोह में होंगे। अच्छा, खास बात यह है, हम तो उनको भी बुलाते हैं, हम तो उनको भी बुलाते हैं जो सिर्फ भारत को कोस कोस कर चुनाव जीत जाते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, हमने उन्हें भी बुलाया है। हम अपने पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर चाहते हैं। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रवीण कुमार, भूटान के प्रधानमंत्री वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, सेशल्स के उपराष्ट्रपति वो एक दिन पहले ही पहुंच चुके हैं। ये मेहमान आप जो मेरे बगल में देख रहे हैं ये वो तमाम शाही मेहमान हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर उनकी नुमाइंदगी, उन राष्ट्रों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। आम लोग भी इसमें बुलाए गए हैं। अपने तरह का ये जो शपथ ग्रहण होगा ये दिव्य और भव्य होगा, कई मायनों में खास होगा। और मोदी के जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट है उसमें गिरिराज सिंह का भी नाम है। और बड़ा अपडेट हमको छत्तीसगढ़ से इस वक्त मिल रहा है, वो आपको बता दें, तोखन साहू, सुबह हमने आपको बताया था सूत्रों के हवाले से कि उनको आ गया है फोन और अब वो हो गए रवाना। छत्तीसगढ़ भवन से रवाना हुए हैं तोखन साहू, शपथ ग्रहण समारोह के लिए वो रवाना हुए हैं। बिलासपुर से सांसद, तकरीबन 1,60,000 की लीड इनकी रही, देवेंद्र यादव को हराकर ये पहली बार सांसद बने हैं। तो पंच से केंद्रीय मंत्री तक का इनका सफर बहुत दिलचस्प रहा है। तोखन साहू शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना हो गए हैं छत्तीसगढ़ भवन से, पहली बार के सांसद हैं और माना यह जा रहा है कि पहली बार के जो सांसद हैं तोखन साहू उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाना लगभग तय, औपचारिक ऐलान बाकी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में और किसी को फोन नहीं गया है। बहुत सारे लोग थे जो इतने इतने बार से जीत कर आए हैं, वो फोन का इंतजार करते रहे पर फोन उन्हें आया नहीं। अब हमने जो जानकारी दी कि तोखन साहू को फोन आ चुका था, तोखन साहू शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना हो चुके हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तोखन साहू रवाना होने से ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं, अब से कुछ देर, कुछ सेकंड्स पहले की हम तस्वीरें आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना हो रहे हैं तोखन। तोखन साहू वर्ग से आते हैं, ओबीसी और सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला वर्ग छत्तीसगढ़ का ये वर्ग है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीतकर लाई है। पिछले बार 2 सीटों का लॉस हुआ था लेकिन इस बार सिर्फ 1 सीट कोरबा, उसे छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ से 10 सीट बीजेपी ने जीती हैं। और यही वजह है कि हम शुरुआत से आपको बता रहे थे कि जो मंत्री बनने, एक मंत्री बनना लगभग तय है। और मंत्रियों की लिस्ट में गिरिराज सिंह का भी नाम है, मध्य प्रदेश से उनका ताल्लुक भी बड़ा खास है। याद करिए, मध्य प्रदेश में जिस केंद्रीय मंत्री को छिंदवाड़ा का किला ढहाने की जिम्मेदारी मिली थी वो है गिरिराज सिंह। आज पीएम आवास पर वो मीटिंग के लिए भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री कोई नई सरकार तो है नहीं, लक्ष्य है विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित सर। जिस तरीके से इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है और लगातार सवाल जो है वो खास तौर पर जेडीयू की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं उन्हीं के साथ बिहार में भी सरकार है, तो ये आराम से विश्वासजनक है, आपको लगता है बहुत स्मूथली चल जाएगा आगे के 5 साल? बिहार में चल रहा है, यहाँ भी चलेगा। ठीक है, और जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी ये बात की जा रही है कि राहुल गांधी को एक महत्वपूर्ण पद पर लेकर आया जाए, ऑपोजिशन जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? ये उनका काम है, उसमें हमें क्या बोलना है, उनको महत्वपूर्ण दे, वो तो महत्वपूर्ण रहते ही। आज
तीसरी बार पीएम पद की शपथ मोदी लेने वाले हैं, लिहाजा अयोध्या के साधु संतों में उत्साह है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि सभी संत खुश हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के बाहर, किस तरह का ये नजारा है। दो बड़े बड़े स्क्रीन भी आपको नजर आ रहे होंगे। आज शपथ ग्रहण समारोह होना है और दिव्य भव्य ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास होगा। इसमें न सिर्फ खास लोग शामिल होंगे बल्कि आम लोगों की भी जो सहभागिता है उसे सुनिश्चित किया जा रहा है। इन सभी के बीच ग्राफिक्स से देख लीजिए, ग्राफिक्स के जरिए कौन कौन है, टीम में नई एंट्री किसकी है और टीम में बरकरार कौन रहा है। अमित शाह को एक तरफ आप देख पा रहे हैं, टीम में बरकरार, टीम में नई एंट्री शिवराज सिंह चौहान, बड़े मार्जिन से जीत कर आए हैं। राजनाथ सिंह टीम में बरकरार, नई एंट्री के तौर पर जान लीजिए मनोहर लाल खट्टर। संजय बंडी तेलंगाना से आते हैं और सरकार बीआरएस के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने माहौल बनाया था। टीडीपी के कोटे से पी चंद्रशेखर का नाम नई एंट्री के तौर पर, अर्जुनराम मेघवाल बरकरार हैं, सर्वानंद सोनोवाल बरकरार हैं, लेकिन जीतन राम मांझी हम पार्टी वाले। और लगातार सत्य प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं मध्य प्रदेश को लेकर। मैंने जैसे कहा था कि उनसे हम समझेंगे मध्य प्रदेश के लिहाज से। सत्य प्रकाश जी, मध्य प्रदेश के लिहाज से बंपर जीत यहां से मिली और क्या कुछ आपको नजर आता है? बहुत सारे नाम हैं, दुर्गादास उइके भी उस लिस्ट में अभी एड ऑन हो गए हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए ललित जी, इसमें कोई दोराह नहीं कि आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के साथ जो सरकार बन रही है, हाँ, प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदी लैंड्स के तीन राज्य की अगर हम बात करते हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, यानी बायपोलर मॉडल है, चाहे राजस्थान लें, छत्तीसगढ़ लें या उन राज्यों की जो बड़े राज्य हैं, उनमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अगर किसी की रही है तो वो मध्य प्रदेश की है। इसलिए मध्य प्रदेश का शेयर अधिक बनता है। हालांकि पिछले के बराबर ही नाम, पिछले जितने मिनिस्टर थे उतने अभी भी हैं, लेकिन यहाँ एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण देखने लायक है, चाहे डिफेंस हो, होम हो, एक्सटर्नल अफेयर्स हो या फाइनेंस हो, जी, ये जो पोर्टफोलियोज हैं वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। देखना, दूसरा जैसा आपने अभी ये ब्रेकिंग न्यूज बताई कि जो बिलासपुर से सांसद हैं, हाँ, वो पहली बार के हैं और यूनियन कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी में भी जिसको चाह रहे हैं, चाहे वो पंजाब के एक जो हार गए उनको भी मंत्री बनाया। जी, तो कहने का तात्पर्य कि नरेंद्र मोदी संगठन में भी ताकत, जी, और नरेंद्र मोदी सत्ता में भी ताकतवर आज भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि 303 लेकर आए हो या 282 सब अपनी दम पर भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। बिल्कुल, मध्य प्रदेश, ठीक ठीक, मैं दरअसल आपको रोकना चाह रहा हूँ, वक्त की इतनी कमी है, वक्त की इतनी इजाजत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, बड़े बारीक तरीके से वो डिकोड करते हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के बड़े पत्रकार डॉक्टर मिश्रा, उन्होंने भी अपने पोस्ट के जरिए इसे डिकोड किया है, साहू वोटर्स के लिहाज से तोखन साहू को मौका देने को लेकर। इस दिव्य और भव्य जानकारी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।